गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में। इट्स अ रिवीजन क्लास ओनली। इसमें बात करेंगे अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, तो केमिकल रिएक्शंस हम जानते हैं, पहले से ऑलरेडी हम इसे पढ़ चुके हैं, और इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है, इसको कैसे बैलेंस करते हैं, वी स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग। ओके, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर हियर दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो है, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच इट लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। यानी जो एक तरह का सब्सटेंस होगा उसे दूसरे तरह के सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है, इसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। क्लासिकली अगर हम बोलें तो केमिकल रिएक्शन इनकम्पास चेंजेस दैट ओनली इन्वॉल्व द पोजिशन of the electron in the forming and a breaking of a chemical bond between atoms with no change to the nuclei and can often be described by a chemical equations। यानी कि केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक, जिसमें बॉन्ड टूटते हैं और नई न्यू बॉन्ड बनते हैं बिटवीन द एटम्स, और इसमें न्यूक्लियाई कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते, और इसको हम डिस्क्राइब या दिखाते हैं बाई केमिकल इक्वेशन, यानी कि इसको केमिकल इक्वेशन के द्वारा शो किया जाता है। अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शंस की कहाँ होती हैं और एवरीवेयर कहाँ कहाँ पर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड। अगर हम कुकिंग ऑफ फूड की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो वहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, दैट इज़ ए हैवी मटेरियल। ठीक, और जब इसको कुक किया जाता है यानी कि इसे टेम्परेचर देकर हीट किया जाता है तो ये क्या सिंपल और इजी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल रेस्पायरेशन होता है। रेस्पायरेशन के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, जहाँ से वो ऑक्सीजन ब्लड लेकर पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, और हमारी सेल्स के अंदर क्या होता है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस कम्प्लीट होती है। अनोदर रिएक्शन इज रस्टिंग। जब आप आयरन को खुला छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर एंड एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या करता है, इसके ऊपर आप क्या देखेंगे, मॉइस्चर से रिएक्शन करने के बाद इसके ऊपर क्या आ जाती है, ये ब्राउन कलर की एक कवरिंग आ जाती है। ठीक, दैट कवरिंग इज ऑल्सो नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ऐसे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जैसे हम देखते हैं दूध को अगर कुछ टाइम तक रख दिया जाए तो उसके अंदर क्या होगा, वो उसका दही बन जाएगा, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ इंडिकेशंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, या फिर इसमें कितना टाइम लग रहा है, कब ये रिएक्शन हो जाएगी। तो द वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड चेंज इन कलर। जब किसी चीज़ के अंदर कलर में बदलाव होता है देन वी कॉल इट कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसे होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जांपल अगर आप बुट जलाएं और बुट जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगा, धुआं, जिसे हम बोलते हैं CO2। फॉर एग्जांपल कार्बन इज ए बुट, और अगर हमने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो इसने दिया CO2। अब कार्बन जो होता है ये सॉलिड मटेरियल था, हम बहुत अच्छे से जानते थे। ठीक, जब हमने इसे बर्न किया ऑक्सीजन के साथ तो इसने क्या दिया है, गैसेस मटेरियल CO2 दिया है। ठीक, जिसे हम देख के कहेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। द अदर वे दैट वी कैन नो अबाउट दिस दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर या तो टेम्परेचर घटे, ठीक, या फिर टेम्परेचर बढ़े। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर घटता है तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नॉट एट ऑल, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन। और अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो जिस टेम्परेचर जिस रिएक्शन में घटता है वहां पर क्या करते हैं, हम लोगों को टेम्परेचर अपने पास से प्रोवाइड करना होता है। अगली कंडीशन आती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज ए काइंड ऑफ सॉल्ट, इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन सोल्यूशन। क्या होता है, यानी कि अगर हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो
तो हम क्या देखेंगे उसके अंदर क्या बनेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर एक सॉलिड मटेरियल बन के आएगा, जिस सॉलिड मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द केमिकल इक्वेशन। इन केस ऑफ द केमिकल इक्वेशन हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन ए केमिकल रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। यानी कि इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंबल से और फार्मूला से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्नीशियम को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि इस किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस अंडरगोज यानी कि रिएक्शन करते हैं आपस में, उन्हें बोलते हैं हम रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ये दोनों जो होंगे वो कहलाएंगे रिएक्टेंट, बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। इसी तरीके से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पर फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो एक बात याद रखना कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर हम बाय वर्ड लिखते हैं, यानी कि जैसे हमने पीछे लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिखा गया है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड वर्ल्ड इक्वेशन, इज आर नोन एज वर्ल्ड इक्वेशन। और इनके बीच में जैसे यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाया, यहाँ पर लगाते हैं हम एरो का निशान, द एरो पॉइंट वेयर इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर इशारा करता है। जो रिएक्टेंट होते हैं वो मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाएंगे, और जो प्रोडक्ट होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। एरो हेड पॉइंटेड टूवर्ड द प्रोडक्ट शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस। नाउ वी टॉक अबाउट द स्केलेटन इक्वेशंस, कि स्केलेटन इक्वेशंस कैसी होती हैं। तो एक स्केलेटन इक्वेशन वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विदाउट बैलेंसिंग ईच अदर। यानी कि आप कोई भी एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट की नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट और नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, इन दोनों को बैलेंस ना करें, तो ये दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नॉन एज द स्केलेटन इक्वेशन और सम टाइम वी कॉल हिम अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वी हैव टू कीप समथिंग इन रिमेंबर और इन माइंड, दैट इज कि हमको इक्वेशन के अंदर दोनों साइडों में नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, बिकॉज इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, कि मास जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर कंजर्व्ड रहता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती हैं उसमें नंबर ऑफ द डिफरेंट एटम ऑफ द एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू होते हैं इन द प्रोडक्ट साइड। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे दोज वर इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम्स और नंबर ऑफ द प्रोडक्ट एटम्स। हाउ टू बैलेंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कि अगर हमारे पास दिस इज़ ए रिएक्शन बिटवीन मिथेन एंड ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम मिथेन को जो हमारे घरों में गैस होता है उसे जलाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन ये CO2 और H2O बनाएगा। अंडरस्टैंड, नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, इट हैज C, C कितना है यहाँ पर, 1। ठीक, अगर हम इधर आके देखते हैं तो इधर भी C कितना है, 1 है। ठीक है, फिर आते हैं हम इधर और हम देखते हैं यहाँ पर H कितना है, तो H यहाँ पर था 4। हेयर वी सी एच इज 2, यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर 3 है। दैट्स मीन वी हैव टू अरेंज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट। तो वॉट वी डू, द रिएक्शन सोन इन द कंबर्जन रिएक्शन, ये क्या है, कंबर्जन रिएक्शन है, जब कोई चीज़ जलती है तो उसे कंबर्जन रिएक्शन कहते हैं। एक कंपाउंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जिसमें जो एक कंपाउंड यानी कि मिथेन है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस टेक्निक में हम देखते हैं कि कार्बन फर्स्ट, देन द हाइड्रोजन जो दूसरा आइटम होगा, और द ऑक्सीजन दैट विल बी ऑफ थर्ड आइटम रिएक्टेंट के अंदर। अब क्या करेंगे, इसमें कार्बन आइटम हैज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, हमने देखा कि कार्बन आइटम 1 and 1 ऑलरेडी बैलेंस है। नाउ व्हाट वी रियली नीड टू डू, तो हाउ वी लुक एट द हाइड्रोजन, अब हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो इधर 4 है, इधर 2 है, तो हम 2 को क्या कर देंगे, यहाँ जो 2 था उसकी जगह पर 2 और बढ़ाकर
इसको क्या कर देंगे, फोर कर देंगे हाइड्रोजन को। जब हम इसे फोर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड टू हाइड्रोजन थे और एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड क्या हो गए हैं, जो टू थे वो अब कितने हो गए, फोर हो गए। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, कॉफिशियंट क्या ऐड कर देते हैं, टू ऐड कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट टर्न्स इंटू टू एच टू ओ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितने हैं, फोर हैं, और यहाँ पर कार्बन भी कितने हैं, फोर है। लेकिन इन दिस केस और इन दिस सिचुएशन वी सी के दो ऑक्सीजन इधर हैं और दो ऑक्सीजन इधर हैं, तो ऑक्सीजन हो गई टोटल फोर, लेकिन यहाँ पर कितनी है, टू। नाउ वी हैव टू चेंज अ लिटिल बिट हियर, यहाँ पर हाइड्रोजन एच एटम आर नाउ बैलेंस्ड ड्यू टू द कोफिशियंट जो हमने यूज़ किया टू इन फ्रंट ऑफ एच टू। देयर आर टोटल फोर ऑक्सीजन, हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट की ओर कितनी है, टोटल फोर ऑक्सीजन है एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड वी पुट अ सिग्निफिकेंट टू इन फ्रंट ऑफ ओ टू, यानी कि यहाँ पर हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ टू लिख दें अगर ऑक्सीजन के आगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितनी हो जाएंगी, फोर फोर हो जाएंगी, देन द रिएक्शन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड ओवर हियर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को उठाते हैं फ्रॉम द कंपाउंड और रिएक्शंस को बैलेंस कर देते हैं। नाउ वी हैव द राइटिंग एंड द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट्स। इन दिस केस व्हाट यू नोटिस्ड कि फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट मेंशनड अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूलाज, यानी कि हम क्या करते हैं किसी भी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की स्टेट को दिखाते हैं बाई राइटिंग समथिंग लाइक फॉर गैस वी यूज द जी इन सब्सक्रिप्शन एंड लिक्विड वी यूज द एल एंड फॉर बींग एक्वस वी यूज द ए क्यू और द सॉलिड होने पर हम यूज करते हैं एस रिस्पेक्टिवली। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का और किस स्टेट में वो केमिकल है, किसी केमिकल रिएक्शन में उसी तरीके से हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। सम टाइम क्या होता है, केमिकल में कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हायर टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर होगा, प्रेशर हायर या लोअर होगा, या फिर कोई कैटलिस्ट यूज होगा। ये सब की सब चीज़ें लिखी जाती हैं अबव और बिलो द एरो, यानी कि इन चीज़ों को एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एथिलीन है और हम उसके क्या कराएं, रिडक्शन कराएं द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो हमने यहाँ पर मेटल ले रखा है निकल, और ये निकल यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट का, ठीक, इट इज़ वर्किंग एज कैटलिस्ट। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट बच के आएगा इथेन। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप देखेंगे कि आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनकर आता है, दिस कॉल्ड द नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, NO इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, उसे वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, और हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि क्लोरोफिल जो प्लांट की पत्तियों में पाई जाती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लेती है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करती है, ठीक। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कैटालाइटिक रिएक्शंस और इन द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल कंडीशन। अगर हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है और अगर हम इसे गर्म करते हैं 170 डिग्री टू 240 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं, वन होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे रिप्रेजेंट करते हैं N2O से, और एक आता है वाटर। अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जनरली क्या होता है, हमें देखना है कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो अगर तुम्हें याद है तो ये होता है, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इवन फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शंस। दिस वर द रिएक्शंस दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग थ्रू। यहाँ पर क्या है, अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि अगर ये सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट दें तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन यानी कि बुट को लें और इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं, तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
डाइऑक्साइड. दिस इज अ वन टाइप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ द प्रोडक्ट. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लाइकवाइज अगर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो हम देख हमारे पास क्या आता है, वाटर आता है. और दिस इज ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज हमारे पास सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है. बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वी स्टडी अबाउट दैम इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एक्चुअली द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जिस तरीके से दो टू और मोर सब्सटेंसेस आपस में एक दूसरे से जॉइन या कंबाइन होने के बाद सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, ऐसे क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में सिंगल प्रोडक्ट जो होगा, सिंगल जो रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक डाउन होने के बाद मोर देन टू और मोर देन टू प्रोडक्ट देगा. ठीक, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो हियर कीप द थिंग, एक सिंगल कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है और वो प्रोडक्ट देता है मोर देन टू टाइप. यानी कि इनका जो सब्सटेंसेस होंगे वो सिमिलर ना होकर मोर देन टू टाइप्स होंगे. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड. यानी कि इन रिएक्शंस को कराने के लिए हमें एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ती है. बिकॉज लाइक ये हीट एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो सकती है या फिर लाइट एनर्जी हो सकती है. अलग लाइट एनर्जी है तो इसको बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन, और अगर थर्मल एनर्जी यानी कि हीट है तो इसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन. इसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन. नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक, इसके अंदर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं, एक वेसल लेंगे और वेसल के अंदर क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे. ठीक, जिसे एक बैटरी से ज्वाइन कर देंगे, और बैटरी का जिससे पॉजिटिव सिरा जुड़ा होगा वो कहलाएगा हमारा एनोड, जिससे नेगेटिव सिरा जुड़ा होगा उसे बोलेंगे कैथोड. ठीक है, तो व्हेन सब्सटेंस इज डीकम्पोजिस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. यानी कि जब आप किसी भी सब्सटेंस के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी सब्सटेंस के सोल्यूशन में या फिर उसके मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं, और वो उस कंडीशन में ब्रेक डाउन भी कर जाए तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस. जैसे H2O को अगर H2O के लिक्विड में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो ये हाइड्रोजन गैस देता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है. बात करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन की. तो वी एज वी नो कि थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, हीट सप्लाई की जाती है, तो इसे हीट करते हैं, तो ऐसे ये हो जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन. जैसे अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये देगा हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन. लाइकवाइज वी हैव द फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. इन द केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन व्हेन अ सब्सटेंस इज डेवलप्ड डीकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. यानी कि जब कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो डीकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड द फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, जैसे AgBr को अगर एक बार फोटो दे दिया तो इन्होंने AgOBr बनाया. अगर AgBr को हम क्या करें, लाइट में रख देते हैं तो ये AgBr Ag अलग बना लेते हैं और Br गैस, Br2 गैस इससे निकल जाती है. ठीक, जैसे Fe3 लाइट के साथ कॉन्टेक्ट में आने पर Fe2 देता है. ठीक, इसी तरीके से Fe2 की अगर हम H2OT से रिएक्शन कराएं तो ये क्या बना लेगा, Fe3 बना लेगा, और यहाँ पर OH- और OH- निकल जाएंगे. इस तरीके से अगर ये OH जो है CH3Hg+ के कॉन्टेक्ट में आए तो यहाँ पर बनता है Hg2+ CH3 and CH-. बात करते हैं अब रिएक्टिविटी सीरीज की. इन केस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज यू हैव टू नो, यू नीड टू नो कि हाउ दिस रिएक्टिविटी सीरीज वर्क्स.
तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल इज सीरीज इन विच द मेटल्स अरेंज्ड इन द ड्रेसिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के तरीके से उन्हें अरेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये टॉप पर है, दैट्स मीन ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव। देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, और फिर आ जाता है इसका कॉपर के बाद मरकरी, Ag, और फिर आ जाता है Au। दीज आर द सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग थ्रू एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। इट डज नॉट मैटर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और डज नॉट मैटर एट ऑल फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसिस और रिमूव्स अनोदर एलिमेंट्स फ्रॉम इस कंपाउंड। ठीक है, जैसे हमने अगर जिंक को CuSO4 के सोल्यूशन में डाल दें, इस ब्लू कलर में ब्लू होता है, तो ये क्या करता है, उसके ब्लू कलर को ख़त्म करके उसे टर्न कर देता है कॉपर वाले को ब्राउन कलर में, ठीक, और खुद उससे रिएक्शन कर लेता है। ठीक, इसी तरीके से तो रिएक्शन Zn इज मोर रिएक्टिव Cu, सो Zn डिस्प्लेसिस Cu फ्रॉम CuSO4, यानी कि इससे क्या करेगा, ये Cu को निकाल देगा। लाइक वाइज क्या होता है, अगर सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, उसमें अगर हम जिंक डाल लें तो यहाँ पर भी क्या होगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। इन द अबोव रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, Ag, सो Zn डिस्प्लेसिस Ag फ्रॉम देयर सोल्यूशन। गुड, दिस हैज़ बीन डन अबाउट द रिएक्शन, सम ऑफ द रिएक्शंस। द मूव मोर एक्स्ट्रा वीडियो इफ आई रियली नीड टू ऐड इन इट आई विल डू दैट एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी पॉइंट। गुड बाय, थैंक यू।